नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जेड टू यानी कि बेस वेरिएंट के बारे में, जो कि डीजल के अंदर है और मैनुअल ट्रांसमिशन में है। तो आज मैं आपको चला के बताने वाला हूं कि जेड टू जो है 130 बीएचपी के अंदर वो गाड़ी कैसी चलती है, कैसी परफॉर्मेंस है, अंडर पावर फील होती है या नहीं होती है, माइलेज कितना निकालती है, हाईवे पे स्टेबिलिटी कैसी है, सस्पेंशन कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्ड में बताने वाले हैं आपको आज की इसी वीडियो में। तो अभी मैं इसको गाड़ी को सिटी के अंदर लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको चला के बताऊंगा, क्योंकि जेड टू के अंदर जो हाइड्रोलिक स्टेयरिंग है वो आता है, इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। और सच बताऊं मैं आपको, जो इसका हाइड्रोलिक स्टेयरिंग है वो ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स करता है इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग के मुकाबले, क्योंकि वो ज्यादा लाइट हो जाता है और इतनी हैवी गाड़ी है, 1900 केजी का इसका कर्व वेट है। और अभी आप देख सकते हैं गाड़ी को मैं सिटी के अंदर चला रहा हूँ और माइलेज भी आप देखिए, मीटर के अंदर 16.6 का माइलेज दे रही है, फोर्थ गियर के अंदर गाड़ी लगातार चल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके क्लच के बारे में। क्लच गाड़ी का स्मूथ है, जैसे कि एक डीजल गाड़ी है तो डीजल भले ही हो गाड़ी, लेकिन स्मूथ क्लच है गाड़ी का। बस बात यह है कि क्लच का जो ट्रेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है मुझे इसका, और गियर शिफ्टिंग जो है वो भी अभी क्योंकि बिल्कुल नई गाड़ी है, 141 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, अभी 150 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चली है, तो गियर शिफ्टिंग इसकी अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा स्मूथ गियर शिफ्टिंग भी नहीं है। मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ वो अभी थोड़ी सी, बोलते हैं ना नई चीज है थोड़ी सी रवा होगी, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ही अजीब है, अजीब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चलती है गाड़ी। फिर बात आती है पावर और पिकअप की। अब क्योंकि 1900 केजी इस गाड़ी का कर्व वेट है तो पावर तो आपको फील होगी कि हाँ, उतना ज्यादा पुश आपको नहीं मिलता है गाड़ी के अंदर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम पावर है। जैसे आप स्कॉर्पियो क्लासिक को चलाते हो ना, जितनी पावर आपको उसके अंदर फील होती है इतनी ही पावर है इसके अंदर है। और अगर हम कंपेयर करें इसको 170 बीएचपी वाली स्कॉर्पियो एन से, तो आप ये मान के चलिए 3 से 4 सेकंड का जो डिले है वो आपको गाड़ी के अंदर फील होगा, उससे ज्यादा आपको फील नहीं होगा। यानी कि अगर हम 0 to 100 करते हैं तो 3 से 4 सेकंड का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर दोस्तों। बाकी ब्रेकिंग में आपको कोई भी फर्क नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस बेस वेरिएंट के अंदर भी और टॉप वेरिएंट के अंदर भी, दोनों के अंदर आपको चारों ही टायर्स में जो डिस्क ब्रेक हैं वो मिलते हैं, ब्रेकिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे नहीं मिलता, आपको सब कुछ प्लास्टिक फिनिशिंग में ही गाड़ी के अंदर मिलता है। तो ORVMs भी आप देख सकते हैं, बड़े साइज के आपको ORVMs मिलते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विजिबिलिटी जो है गाड़ी की वो आपको काफी कमाल की मिलती है, विजिबिलिटी से रिलेटेड आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। अब बात ये निकल के आती है कि गाड़ी का कंफर्ट कैसा है गाड़ी को चलाते टाइम। कंफर्ट में आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलने वाली। बेस वेरिएंट के अंदर आपको सीट्स में लंबार सपोर्ट नहीं मिलती है, लेकिन सीट्स इस गाड़ी की इतनी बड़ी है कि आपको सपोर्ट की कुछ ज्यादा फील भी महसूस नहीं होगी। पहले गाड़ी की जब हमने डिलीवरी नहीं ली थी, उससे पहले एक मन में डाउट ये चल रहा था कि भाई लंबार सपोर्ट जो है गाड़ी के अंदर वो नहीं आएगा तो अनकंफर्टेबल लगेगी, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फैब्रिक सीट है तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगी। बल्कि जो लेदर सीट्स आती हैं गाड़ी के अंदर वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं कराती जितना आपको फैब्रिक सीट्स की जो फिनिशिंग होती है, क्योंकि कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, तो उस पर आप ज्यादा कंफर्ट फील करोगे। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको पेंटालिंक सस्पेंशन मिलते हैं। तो अब जैसे कि मैं इस रोड पे चला रहा हूँ, ऊपर की साइड यहाँ पे रैपिड मेट्रो काम चल रहा है, नीचे आप देख सकते हैं जो रोड है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत प्लेन रोड पे है गाड़ी, गाड़ी जो है वो ऐसे रास्ते पे है जहाँ पे मतलब प्लेन रोड्स नहीं है, ऊपर नीचा है। तो इस गाड़ी की जो टायर प्रोफाइल है 245/65 R17 टायर प्रोफाइल है, पेंटालिंक सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन आपको इतना मजा देंगे इस गाड़ी को चलाते टाइम, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने देंगे कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो आपके अंदर गाड़ी में गड्ढे भी फील नहीं होने देते। सबसे जो बेहतरीन चीज, सबसे एक्सीलेंट चीज जो आपको फील होती है वो इस गाड़ी का सस्पेंशन है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के, कि नेगेटिव पॉइंट्स इस गाड़ी के क्या है। तो क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको ESP नहीं मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जिससे आपकी गाड़ी स्टेबल रहती है, यानी कि आप अगर देसी भाषा में कहें तो पुरानी जो स्कॉर्पियो क्लासिक है वो बदनाम है आपके बॉडी रोल के लिए, यानी कि झूला झुलाने के लिए। तो इस गाड़ी के अंदर भी वो चीज़ है, लेकिन उसके जितनी नहीं है, उससे काफ़ी कंट्रोल्ड है। बट जो स्कॉर्पियो एन के अदर वेरिएंट हैं जिनके अंदर सेफ्टी के और भी ज़्यादा फीचर्स आते हैं, उससे इसके अंदर आपको बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। बट वो बॉडी रोल भी आपको तब फील होगा जब आपकी गाड़ी की स्पीड 90 और 100 के आसपास रहेगी। आप जब सिटी के अंदर गाड़ी चलाएंगे, यहाँ पे तो आपकी गाड़ी की ज़्यादातर एवरेज स्पीड जो है वो 40 से 55 किलोमीटर के बीच में रहती है, तो वहाँ पर आपको बॉडी रोल भी फील नहीं होता है।
बाकी एक चीज आपको और बता देता हूँ, जब आप ड्राइवर सीट पर बैठते हैं, क्योंकि इसके ड्राइवर साइड सीट आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, बट आपकी हाइट कितनी भी कम हो, जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो ये देखिए आप, बोनेट जो है गाड़ी का वो क्लियरली आपको यहाँ पे विजिबल होता है। तो जिस बंदे को बोनेट देख के गाड़ी चलाने की आदत है, उनको भी कोई परेशानी गाड़ी के अंदर नहीं होने वाली है। तो गियर शिफ्टिंग के बारे में बताता हूँ आपको मैं। अब जैसे डीजल गाड़ी है, 300 Nm का टॉर्क है, और स्कॉर्पियो क्लासिक का आप जानते हैं बिहेवियर कि अगर गाड़ी खड़ी हुई है सेकंड गियर के अंदर आप उसको उठाते हैं तो उठती तो ये भी है, लेकिन जो एक चीज मैंने इसके अंदर फील करी है वो ये है कि ये है ना आपका जल्दी जल्दी गियर मांगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक गियर में चला रहे हैं तो थोड़ा सा उसको खींचेंगे, खींचोगे तो माइलेज ड्रॉप होगा, आरपीएम बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा जल्दी गियर मांगती है ये चीज इसके अंदर थोड़ा सा अलग बिहेव करती है। क्योंकि जब हम थार 4x2 चलाते हैं उसके अंदर भी आपको 300 Nm का टॉर्क मिलता है, लेकिन उसके अंदर भी इतनी जल्दी गियर शिफ्टिंग नहीं होती जितनी जल्दी ये स्कॉर्पियन Z2 जो है वो गियर शिफ्टिंग मांगती है। और दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की टर्निंग रेडियस, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, काफी ज्यादा लेंथ है गाड़ी की, तो टर्निंग रेडियस भी आप देख सकते हैं। हमारे आगे जो है वो अल्काज़ार चल रही है, जितनी जगह अल्काज़ार ने ली है उससे थोड़ी बहुत ही ज्यादा ली होगी, बट ऐसा नहीं है कि गाड़ी ने कोई भी दिक्कत करी है टर्निंग रेडियस में, तो वो सब चीजें भी गाड़ी काफी अच्छी है। एक चीज आपको बता देता हूँ इंसुलेशन से रिलेटेड, इंसुलेशन तो कंपनी ने काफी अच्छे से दे रखा है गाड़ी के अंदर, बट जैसे ही आप गाड़ी का एक्सुलेशन लेके जाते हैं 1500 आरपीएम से ऊपर का, तो आपकी गाड़ी ठीक ठाक आवाज करती है। अगर जैसे अभी मैंने म्यूजिक सिस्टम ऑन नहीं कर रखा, अगर म्यूजिक सिस्टम ऑन होता तो गाड़ी के अंदर आवाज कम आती, लेकिन अभी दिखाता हूँ आपको आवाज अगर तो यहाँ पे आप अपने ईयरफोन की आवाज बढ़ाएं और सुने। जैसे मैं इसको अभी 3000 आरपीएम तक लेके गया और गियर शिफ्टिंग हमने करी तो अभी इतनी आवाज गाड़ी करती है। तो इसमें जो असली साइलेंट पना है वो फिफ्थ गियर में जाके आता है, लेकिन फोर्थ गियर तक गाड़ी अंदर ठीक ठाक आवाज करती है, आपको महसूस होता है कि हाँ आप एक डीजल इंजन जो है वो चला रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि जब आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z2 चलाते हैं 2000 आरपीएम के ऊपर तो कितनी स्पीड रहती है, तो ये देखिए आप लगातार यहाँ पे आप 2000 आरपीएम पे जब चलाते हो तो गाड़ी की स्पीड रहती है 94-95 के आसपास। तो ये सही चीज़ है, अगर आपको हाईवे पे गाड़ी को क्रूज करना है तो उस दौरान आपकी गाड़ी यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो स्पीड है उसको मेंटेन करती है। ये नहीं है कि स्पीड कम रह जाती है, 100 होनी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन 95 के आसपास जो स्पीड है वो यहाँ पे है। अब बात करते हैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में। तो अभी आप यहाँ पे देखिए गाड़ी जो है मैं वो 80 के आसपास चला रहा हूँ, तो जैसे मैं गाड़ी को लेफ्ट राइट करता हूँ तो क्योंकि ESP ना होने की वजह से गाड़ी में बॉडी रोल आता है लेकिन 80 की स्पीड पे नहीं आता। अगर मैं इसको 90 से अबव लेके जाता हूँ उसके बाद जो है बॉडी रोल गाड़ी के अंदर आता है। अगर ESP पैक इसके अंदर होता तो गाड़ी और भी ज़्यादा कंट्रोल में चलती, ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी ब्रेकिंग जो है गाड़ी की वो बहुत शानदार है क्योंकि चारों ही टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे से गाड़ी कंट्रोल भी हो जाती है दोस्तों। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा कि गाड़ी जो है अंडर पावर फील होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों हम थार 4x2 चलाते हैं और अभी ये गाड़ी जो है वो भी सेम पावर फिगर्स के साथ ही आती है लगभग। तो जब मैं इसको अभी नोटिस कर रहा हूँ चलाते टाइम, तो मैंने एक चीज़ फील करी, थार 1.5 जो है वो स्कॉर्पियो एन Z2 से ज़्यादा स्मूथ चलती है, भले ही उसका इंजन छोटा हो, लेकिन पावर के मामले में भी थार 4x2 का पिकअप मुझे इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है। इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं थार से भी 1.5 सेकेंड का जो डिले है पिकअप में वो आपको मिलने वाला है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने पूछा था कि सेकंड गियर के अंदर आपकी गाड़ी जो है उसके अंदर भी कोई जर्क या कोई आवाज़ आती है या कुछ डिस्टरबेंस फील होता है क्या, तो मेरी गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको गाड़ी माइलेज कितना देती है। तो ये देखिए आप, अभी सिटी के अंदर हम गाड़ी चला रहे थे उसके बाद इस हाईवे के ऊपर आए हैं, तो अभी माइलेज दे रही है 13.7 का। तो मुझे अंदाजा है कि ये गाड़ी जो है लोकल में आपको अबव 12 का जो माइलेज है वो आराम से देगी। बाकी टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट जो है हम इसका कंप्लीट करने वाले हैं, इस ड्राइव रिव्यू के बाद आपको टैंक टू टैंक जो माइलेज टेस्ट है वो भी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ बता दी है। मात्र 15 लाख रुपये के अंदर हमको एक 7 सीटर गाड़ी मिली है जो कि BS6 फेज 2 के अंदर है। मेरे हिसाब से इस बजट के अंदर ये गाड़ी काफ़ी परफेक्ट है, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर हम गाड़ी को कंट्रोल में चलाते हैं 80-90 की स्पीड पे तो कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सामने देख सकते हैं जो क्लासिक जारी है उससे इसमें बहुत ही कम बॉडी रोल है, उससे ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग है। और गाड़ी की जो AC की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है, उसमें भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलने का है। हम बाहर गर्मी में थे पूरे दिन, तो गाड़ी का AC हमने ज़्यादातर जो मतलब ब्लोवर की स्पीड है, फ़ैन की स्पीड, वो 1 नंबर पे रखी है,
दो की हमको जरूरत नहीं पड़ी। तो यही सब चीजें थी इस ड्राइव रिव्यू में जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करी। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।